दोस्तों, ये केमिकल तो मैंने यूज करके दिखाया है आपको। लॉन्ड्री इमल्सिफायर मैंने यूज करके नहीं दिखाया है, तो अभी इसी का डेमो है। एक साड़ी के ऊपर ऑयल स्टेन है और उसको क्लीन करना है दोस्तों, तो देखते हैं हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। इमल्सिफायर जो है वो हमें यूज करना है 10 लीटर के लिए, 10 ml। तो ये थोड़ा ज्यादा है, तो मैं 1.5, ये 30 ml का अगर होगा तो इसको मैं 1.5 यूज करूंगा दोस्तों। और ये काफी गाढ़ा है, और मैं सिर्फ एक साड़ी नहीं, इसके अलावा अभी मेरे पास दूसरी साड़ियाँ हैं जिनके ऊपर ऑयल स्टेन है, तो वो उसमें भी ये यूज करने वाला हूँ दोस्तों। ऑयल स्टेन नॉर्मली दिखते नहीं है दोस्तों, मतलब मैं अगर आपको दिखाना भी चाहूँ तो ऑयल स्टेन नॉर्मली दिखते नहीं है, तो ये भी है। और ये यूज करना पड़ता है, मशीन में यूज कर सकते हैं, मैनुअल के लिए यूज कर सकते हैं। 30 ml के आसपास हम इसे यूज करेंगे। ML यूज करेंगे दोस्तों, तो इसको इस तरह से घुमाना है दोस्तों, इस तरह से इसको मिक्स करना है, क्योंकि है ना पानी में नीचे बैठ जाता है ये। ज्यादातर मशीन में ही लोग सजेस्ट करते हैं यूज करना, बट हमें साड़ियाँ क्लीन करनी है तो हम साड़ियों में यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो ऑयल स्टेन क्लीन करके देखते हैं इसके ऊपर दोस्तों। तो इस तरह मैंने स्टेन सारे बांध दिए थे, और इन स्टेन को मैं एक एक करके केमिकल में डिप करते गया और उनको स्क्रब करते गया दोस्तों। और इसी केमिकल का भी काफ़ी सारा झाग होने लगा है दोस्तों, और लास्ट में मैंने इसका फॉल क्लीन कर दिया दोस्तों। दोस्तों ये रही साड़ी, बट ऐसा है कि इसके ऊपर ऑयल स्टेन जब थे तब नहीं दिख रहे थे कि है या नहीं है, बट फिर भी मैंने उनको फाइंड आउट किया और बांध लिया, और अभी निकालने के बाद में भी नहीं दिखेंगे है या नहीं। तो बस यही है, इस वीडियो में मुझे यही दिखाना था कि इमल्सिफायर कैसे यूज करते हैं दोस्तों, किस तरह से उसको यूज करना चाहिए। और इमल्सिफायर जो यूज करेंगे, अगर मशीन में यूज करोगे तो डिटर्जेंट के साथ में, लिक्विड डिटर्जेंट जो भी आप मशीन में मटेरियल यूज करते हो ना, उसके साथ में आप यूज कर सकते हो इमल्सिफायर को। तो बस यही है, मैंने मैनुअल यूज करके दिखाया, और कभी टाइम मिलेगा तो मैं मशीन में कैसे यूज करना है वो भी आपको करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो बस ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। मेरा एक सजेशन है, स्ट्रेन नहीं निकलेंगे ना तो चलेगा, बट डैमेज नहीं होना चाहिए, ये बात आप एक गार्ड बांध लो, क्योंकि बहुत सारे केमिकल होंगे आपके पास, बट सभी केमिकल ट्राई करने में टाइम जाएगा आपका, बहुत सारा टाइम लगता है। और जब हम ट्राई करते रहते हैं ना एक 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 केमिकल, तो बहुत सारा कलर छूटता रहता है दोस्तों। आपने अभी लाइव डेमो देखा होगा, बट इसका हम कलर फिक्स कर सकते हैं बाद में आफ्टर वॉश, और इसकी सब जानकारी चाहिए तभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कीजिए, या फिर कम से कम टाइम में आप साड़ी वॉश करने का सोचिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूजफुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।